जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक साउथ कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म नो मर्सी के बारे में। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10 और 92% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस मूवी के एंड में एक अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग ट्विस्ट है जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो फोटोग्राफर्स को जो नदी किनारे फोटो शूट कर रहे होते हैं और अचानक उन्हें एक लड़की की लाश दिखाई देती है जिसे बुरी तरह काटा गया होता है। वो ये देख के पुलिस को इत्तला करते हैं और पुलिस वहां आती है छानबीन करने के लिए। दोस्तों इस यूनिट में इंस्पेक्टर सियोंग होती है जिसने हाल ही में पुलिस ज्वाइन की होती है और ये बहुत इंटेलिजेंट होती है, लेकिन इसके सीनियर इंस्पेक्टर इसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। दोस्तों उस लड़की की बॉडी बुरी तरह काटी गई होती है और उसका एक हाथ गायब भी होता है और उसकी बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर प्रोफेसर कैंग को बुलाया जाता है। पुलिस उस लड़की के बारे में छानबीन करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़की का नाम यूना है और वो एक बार में काम किया करती थी। प्रोफेसर कैंग उस लड़की की बॉडी की ऑटोप्सी करते हैं और उस बॉडी की तारीफ भी करते हैं। वो उसके लंग्स और हार्ट को निकाल के अच्छे से उसकी छानबीन करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि इस लड़की के सर पर वार किया गया है जिससे उसका ब्रेन डैमेज हो गया है और स्कल में फ्रैक्चर भी है और उसके नाक, मुंह और कान में ग्रेनाइट मिट्टी मिली है और उसके पूरे शरीर में नमक के पार्टिकल्स मिले हैं जो ये दर्शाता है कि किलर ने ज़रूर वो बॉडी नदी में डाल दी होगी ताकि खून साफ हो सके और जो औजार उसने इस्तेमाल किया होगा उसे सर पे वार करने के लिए वो ज़रूर लंबा होगा और ये लड़की मुंह के बल गिरी होगी तभी वो मिट्टी इसके नाक में पाई गई है। ये सुन के पुलिस चीफ अपने यूनिट को हर जगह तलाशने को कहते हैं जहाँ ग्रेनाइट मिट्टी मौजूद हो। वो हर जगह छानबीन करते हैं और एक कंपनी के अंदर उन्हें ग्रेनाइट मिट्टी मिलती है जहाँ उन्हें उस लड़की का कटा हुआ हाथ भी मिलता है। सियोंग यहाँ कुछ प्रोटेस्टर्स को भी नोटिस करती है जो वहाँ अक्सर आते थे प्रोटेस्ट करने के लिए और उनकी मांग थी कि ये फैक्ट्री बंद हो जिससे पर्यावरण का नुकसान ना हो। पुलिस उस लड़की का बॉयफ्रेंड बियोंग को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि वो उससे एक महीने से नहीं मिला है तो वो उसका मर्डर कैसे कर सकता है, तो पुलिस उसे जाने देती है। सियोंग इस केस को खुद ही सॉल्व करना चाहती है इसीलिए वो प्रोफेसर के घर जाती है उनसे कुछ सवाल करने के लिए। वो वहाँ उनके डॉग से मिलती है और प्रोफेसर की बेटी के बारे में पूछती है तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उनकी बेटी कल 13 साल बाद वापस आने वाली है अपनी पढ़ाई पूरी करके। फिर वो उनसे केस के बारे में सवाल पूछती है तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उन्हें लगता है कि किलर उन्हें एक मैसेज देना चाहता है, तभी उसने बॉडी और हाथ अलग अलग जगह पर रखे हैं और उस किलर का ज़रूर कोई मकसद रहा होगा ये करने के लिए। ये सुन के सियोंग कुछ छानबीन करती है और उसे कुछ पता चलता है। अगले दिन वो अपने यूनिट को बताती है कि आई लव वीनस नाम की एक एनवायरमेंटल ग्रुप रोज़ प्रोटेस्ट करता है उस कंपनी के बाहर और उनका कहना है कि वो फैक्ट्री बंद हो जानी चाहिए क्योंकि वो रिवर क्योन को नुकसान पहुंचाती है और इस एनवायरमेंटल ग्रुप का एक लीडर है ली जिसने इस मुद्दे पे एक बुक लिखी है और उसमें बताया है कि वो नदी सुंदरता की देवी वीनस की प्रतीक है और गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट चलाए हैं जिससे वो रिवर कट रही है और 6 भागों में बट गई है। वो पुलिस यूनिट को ये भी बताती है कि उस लड़की की बॉडी भी 6 टुकड़ों में काटी गई है। ये दर्शाता है कि ये मर्डर शायद ली ने किए हैं। दोस्तों ली एक पोलियो का मरीज होता है जिसकी एक टांग टेढ़ी होती है और पुलिस को मर्डर स्पॉट पर फुटप्रिंट्स मिले होते हैं जिसमें एक टांग टेढ़ी होती है और उसके बाजू में एक होल होता है जो ये दर्शाता है कि वो होल ज़रूर स्टिक से बना होगा जिसे ली यूज़ करता है चलने के लिए। ये सुन के पुलिस ली को अरेस्ट कर लेती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ये मर्डर किया है। इधर प्रोफेसर कैंग अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आए होते हैं, तभी एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक लिफाफा पकड़ाता है और उन्हें कहता है कि ये उनकी बेटी ने उनके लिए भेजा है और वहाँ से चला जाता है। जब प्रोफेसर कैंग उस लिफाफे को खोलते हैं तो उसमें उनकी बेटी की टॉर्चर की तस्वीरें होती हैं जिससे पता चलता है कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। तभी प्रोफेसर को सियोंग का कॉल आता है और वो बताती है कि उसने किलर को पकड़ लिया है, जिससे प्रोफेसर समझ जाते हैं कि ज़रूर वही किलर ने उसकी बेटी को किडनैप किया होगा और उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी 1 हफ्ते पहले ही सिटी में आ गई थी। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं उस किलर से मिलने के लिए और वो किलर उनकी राह देख रहा होता है। वो किलर के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि उसकी बेटी कहाँ है तो ली उन्हें बताता है कि वो अभी ज़िंदा है और उसके कब्जे में है और अगर प्रोफेसर ने उसे 3 दिन में जेल से बाहर नहीं निकाला तो वो उसे मार डालेगा। प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है उनके साथ तो ली उन्हें बोलता है कि इंसान तब कमज़ोर पड़ जाता है जब उसके पास खोने के लिए कुछ हो। प्रोफेसर उसकी डील मान लेते हैं और सियोंग से पूछते हैं कि उसको मर्डर वेपन मिला कि नहीं, तो सियोंग उन्हें बताती है
कि उसे मर्डर वेपन तो नहीं मिला लेकिन वो इलेक्ट्रिक सॉ मिली है जिससे उसने बॉडी को चॉप किया है और उस पर खून के निशान भी हैं और उसने उसे लैब भेज दिया है जांच के लिए। सियोंग प्रोफेसर से उनकी बेटी के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि उसकी बेटी अब एक हफ्ते बाद आएगी। उसके बाद प्रोफेसर लैब में जाते हैं और एनालिस्ट उन्हें वो वेपन दिखाता है और कहता है कि वो उसकी रिपोर्ट बाद में बनाएगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं। प्रोफेसर वहाँ से घर आ जाते हैं और अपने डॉग को कट करके उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं और वापस लैब में जाते हैं और मौका देखते ही वेपन पे लगा खून हटा के अपने डॉग का खून लगा देते हैं ताकि रिपोर्ट गलत आए और ली छूट सके और उनकी बेटी बच सके। अभी वहाँ सुयोंग भी आ जाती है तो प्रोफेसर उससे झूठ बोलते हैं कि वो ऑटोप्सी के ब्लड सैंपल लेने आए थे। वो उसे ये भी बताते हैं कि ली उसकी स्टिक के बिना चल ही नहीं सकता तो वो किसी का मर्डर क्या करेगा। दोस्तों वो ये सब इसीलिए कह रहे होते हैं ताकि सुयोंग को लगने लगे कि ली कातिल नहीं है। सियोंग उनसे कहती है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट ही अब उसका एकमात्र सबूत है जिससे ये साबित हो सकता है कि ली ही कातिल है। उसके बाद प्रोफेसर कैंग ली से प्रिजन में मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसे बचाने के लिए उन्होंने उस इलेक्ट्रिक सॉ पे लगे ब्लड सैंपल्स बदल दिए हैं और अब उन्हें उनकी बेटी से बात करनी है। तो ली उन्हें कॉल मिलाता है जहाँ उनकी बेटी रो रही होती है और गिड़गिड़ा रही होती है और तभी फ़ोन कट जाता है। उसके बाद प्रोफेसर ली से पूछते हैं कि उसका असली मर्डर वेपन कहाँ है जिसने उससे उस लड़की को सर पे वार किया। तो ली उन्हें बताता है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो मर्डर वेपन कहाँ है, ये ज़रूरी है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा। उसके बाद प्रोफेसर ये पता करने में लग जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया था। तो वो उसी बार में जाते हैं जहाँ यूना काम किया करती थी और एक प्रोस्टिट्यूट से मिलते हैं और उससे पूछते हैं यूना के बारे में। तो वो उन्हें बताती है कि यूना ज़्यादातर वक्त अपने बॉयफ्रेंड बियोंग के साथ रहती थी। अगली सुबह उस सॉ की रिपोर्ट तैयार हो जाती है जिसमें ह्यूमन ब्लड नहीं होता है बल्कि डॉग का ब्लड होता है जो प्रोफेसर ने वहाँ प्लांट किया होता है और सुयोंग ये रिपोर्ट देख के चौंक जाती है। उसके बाद पुलिस चीफ ऑर्डर देते हैं मर्डर वेपन ढूंढने के लिए जिससे उस लड़की के सर पे वार किया गया था। सियोंग ये खबर प्रोफेसर को देती है तो प्रोफेसर पुलिस से पहले ही मर्डर वेपन ढूंढने ली के घर चले जाते हैं। तो उन्हें वहाँ ली की फ़ोटो मिलती है एक लड़के के साथ और उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसने उसे एयरपोर्ट पे लिफाफा पकड़ाया था। इसी दौरान सुयोंग प्रोफेसर के घर जाती है तो उनके डॉग के शरीर पे एक कट देखती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि वो कट किसी ने जानबूझ के लगाया है जिससे उसे प्रोफेसर पे शक हो जाता है क्योंकि उस सौ के रिपोर्ट में किसी डॉग ब्लड का ही जिक्र था और उसे लगता है कि ज़रूर प्रोफेसर ने ही कुछ गड़बड़ की होगी। यहाँ प्रोफेसर उस फोटो को लेकर लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ एक पुलिस वाला वो फोटो देख के बताता है कि इस फोटो में ली और उसका दोस्त प्योंग है। प्योंग एक अनाथ लड़का था लेकिन ली के फादर ने उसे पाल पोष के बड़ा किया और ली की बहन और वो एक दूसरे से प्यार भी किया करते थे। लेकिन ली की बहन की मौत के बाद ली और प्योंग ये गांव छोड़ के चले गए। इस उनके प्रोफेसर प्योंग का पता ढूंढ निकालते हैं और वहां जाते हैं। वो एक रूम में ढेर सारे आर्टिकल्स देखते हैं जिसमें एक एक्सीडेंट का जिक्र होता है और अचानक प्योंग वहां आ जाता है और प्रोफेसर को देख के भागने लगता है। प्रोफेसर उसका पीछा करते हैं और इसी दौरान एक गाड़ी से टकरा जाते हैं जिससे वो जख्मी हो जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठा के प्योंग उन्हें बुरी तरह पीटता है और उन्हें उसका पीछा ना करने को कहता है। प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें सब पता चल चुका होता है ली और प्योंग के बारे में और उन्हें यह भी पता चल गया होता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ली के पास प्रिजन में जाते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें सब पता चल गया है कि वो कौन है और उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इसमें उनकी बेटी की कोई गलती नहीं थी, वो सब उनका फॉल्ट था, तो सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए ना कि उनकी बेटी को। इस पे ली उनसे कहता है कि उसे जेल से बाहर निकलना है कैसे भी करके, तभी वो प्रोफेसर की बेटी को छोड़ेगा और प्रोफेसर उसे एक तरकीब बताते हैं। यहाँ जो वेपन पुलिस को मिला होता है ली के घर में वो भी मर्डर वेपन नहीं होता है। सियोंग प्रोफेसर को जेल से निकलते हुए देख लेती है और उनसे सवाल पूछती है तो प्रोफेसर उसे सब सच बता देते हैं कि उनकी बेटी किडनैप्ड है ली के द्वारा और इसीलिए वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। प्रोफेसर ली को छुड़ाने के लिए उसे उसकी छड़ी को मर्डर वेपन बताने को कहते हैं ताकि पुलिस गुमराह हो सके और वो खुद एक प्रोस्टिट्यूट की मदद से बियोंग का सीमन सैंपल इकट्ठा करते हैं और उस लड़की की डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट में प्लांट कर देते हैं ताकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये एक रेप की तरह सामने आए और बियोंग फंस जाए जिससे ली आज़ाद हो सके। तब हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि कुछ साल पहले कुछ लड़कों ने ली की बहन का रेप किया था जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी और जब ये केस कोर्ट में गया तो कुछ लोगों ने झूठी गवाही दी जिससे वो एक रेप केस ना बन के एक सुसाइड केस बन गया। उन्हीं गवाही देने वालों में से एक प्रोफेसर कैंग भी थे जिन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट झूठी बताई
जिसकी वजह से ली की बहन गलत साबित हो गई। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहां प्रोफेसर ऑटोप्सी रिपोर्ट पुलिस को देते हैं तो ली निर्दोष साबित हो जाता है और पुलिस उसे छोड़ देती है। जेल के बाहर प्योंग उसे लेने आता है और वो दोनों घर जाते हैं और प्रोफेसर उनका पीछा कर रहे होते हैं। उसके बाद प्रोफेसर ली से मिलते हैं और उसे अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं और सॉरी कहते हैं उसकी बहन के लिए। ली उसे बताता है कि उसके झूठी गवाही की वजह से उसकी बहन एक बच्चलन साबित हुई थी और वो कैंग को अपनी छड़ी से बेरहमी से मारता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ने ये गवाही क्यों दी थी। दोस्तों दरअसल प्रोफेसर की बेटी को एक जेनेटिक बीमारी थी जिसके कारण उनकी बेटी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी और उसके इलाज के लिए प्रोफेसर को ढेर सारा पैसा चाहिए था। इसीलिए उन्होंने कोर्ट में झूठी गवाही दी जिसके बदले उन्हें ढेर सारे पैसे मिले जिससे उनकी बेटी का इलाज हुआ। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां सियोंग को पता चल जाता है कि ली आज़ाद हो चुका है तो वो ली के घर के लिए निकल जाती है और एक पुलिस यूनिट को वहां आने के लिए कहती है क्योंकि सियोंग को छानबीन के दौरान ये पता चलता है कि जिन लोगों ने झूठी गवाही दी थी उन सबको ली ने मार दिया है और अब प्रोफेसर की बारी थी। इधर प्रोफेसर अपनी बेटी की जान की भीख मांग रहे होते हैं और ली उनसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनते ही प्रोफेसर उसे पीटने लगते हैं तो ली उन्हें बताता है कि उनकी बेटी उसके घर में इंतज़ार कर रही है जो नदी के किनारे है। प्रोफेसर उस घर में आने के लिए निकल जाते हैं। इधर उनसे पहले सियोंग उस घर में पहुंच जाती है जहां वो प्योंग से मिलती है और प्योंग उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से सियोंग को उसे शूट करना पड़ता है और वो मर जाता है। उसके बाद सियोंग उस कमरे में जाती है और उसे सब सच पता चल जाता है। प्रोफेसर अपनी बेटी से मिलने के लिए बेताब होते हैं और भागते भागते उस घर में पहुँचते हैं जहाँ सियोंग उन्हें अंदर जाने से मना करती है। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी की डेड बॉडी गुलाब के पत्तियों में लेटी हुई है और वो उसकी बॉडी को उठाने की कोशिश करते हैं और वहाँ उसकी बॉडी होती ही नहीं है। वहाँ सिर्फ होता है तो उसके कटे हुए हाथ और उसका कटा हुआ सर। तब हमें दिखाया जाता है कि जिस लड़की की बॉडी स्टार्टिंग में मिली होती है वो दरअसल प्रोफेसर की बेटी की होती है और उन्होंने ही उसका पोस्टमार्टम किया होता है और उसके बॉडी पार्ट्स निकाल के खुद ही उसकी छानबीन की होती है और उसमें बियोंग का सीमन भी ऐड किया होता है। दरअसल ली ने दो मर्डर किए थे, एक बार वाली लड़की का और दूसरा प्रोफेसर की बेटी का, और प्रोफेसर की बेटी का सर काट के उसने बार वाली लड़की के सर से रिप्लेस कर दिया। प्रोफेसर ये बात जान के शॉक हो जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ ली आ जाता है और अपनी बहन की मौत का रिवेंज लेके बहुत खुश होता है। प्रोफेसर शॉक में रूम से बाहर आते हैं तो ली उन्हें बताता है कि तुम्हारी बेटी बेताब थी तुमसे मिलने के लिए, वो बहुत रोई गिड़गिड़ाई इसीलिए उसे मारने में थोड़ी मुश्किलात हुई। बेचारी लड़की अपने बाप की गलतियों की वजह से मारी गई और अब तुम इस दर्द में ज़िंदगी भर जियोगे जैसे मैं अपनी बहन को खो के जी रहा था। ये सुन के प्रोफेसर सियोंग की गन लेके उसको शूट कर देते हैं और ली मर जाता है और वो खुद को भी गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ आता है कि मौत से ज़्यादा मुश्किल किसी को माफ़ करना होता है, और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आइए बात करते हैं इस फिल्म की एंडिंग की। दोस्तों इस फिल्म की एंडिंग बहुत ही शॉकिंग थी और अनएक्सपेक्टेड थी। जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया है वो काबिले तारीफ है और वो ऑटोप्सी वाला सीन जहां डॉक्टर बॉडी से लंग्स और हार्ट निकालते हैं वो काफ़ी रियल लगता है। ये फिल्म से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए चाहे कोई भी सिचुएशन हो। यहाँ प्रोफेसर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए झूठी गवाही दी पर क्या उनकी बेटी बच पाई? एट द एंड वो मर ही गई। यानी झूठ से एक इंसान सिर्फ कुछ समय तक बच सकता है, बाद में उसे उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो इस फिल्म की एंडिंग ने बहुत सारे लोगों को शॉक में डाल दिया था और 2010 में बनी इस फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते थे केवल इसकी शॉकिंग एंडिंग के बदौलत। दोस्तों आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहते हैं कि आगे और भी कोरियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आप कमेंट करते नहीं हैं जिससे मुझे पता नहीं चल पाता कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।